हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस चैनल पे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर करते हैं विथ नोट्स एंड विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम आए एक नए सब्जेक्ट के साथ जो कि है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स काफ़ी लोगों के सिलेबस में होता है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इसके कम्प्लीट नोट्स मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप इसके नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं परचेस करने के लिए। ये सब्जेक्ट भी हमारा यूनिट वाइज है, तो आप इसके प्राइजेस यूनिट अकॉर्डिंग ही रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। व्हाट इज़ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स होता क्या है? ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ईसी इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसमिशन ऑफ फंड्स और डाटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्राइमरली द इंटरनेट। आप सबको पता होगा ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में कोई गुड्स या सर्विसेज को क्या किया जाता है, ऑनलाइन बाय किया जाता है और ऑनलाइन सेल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, आप इन सब चीज़ों से अगर कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, कोई ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप भीम, UPI, पेटीएम और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप जी पे को यूज़ करके अगर कोई फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें हमारी ई कॉमर्स में आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आती हैं। तो मेनली हमारा ये टॉपिक यहीं तक रहेगा इस वीडियो में। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, वाई यूज़ ई कॉमर्स, हम लोग ई कॉमर्स को यूज़ क्यों करते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।